हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूं 10:06 पे, क्योंकि आज संडे है। तो आज हमें कुछ भी नहीं किया करने के लिए, मतलब ना कोई कमेंट आया करने के लिए। तो आज हम बैठ जाएंगे ज़रूर, और अगर ना जा सके तो घर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। गाइस, आज हमने कुछ करके रहें, फारिग नहीं बैठना, चाहे होमवर्क करें हम। गाइस, अभी हम अंदर आके बैठे हुए, मतलब बैठे आधे बैठे आधे लेटे हुए, नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। नाश्ता कब आएगा? हाय नाश्ते आ जा। नाश्ता नहीं आया, एक मोटा आ गया अपना फीडर लेके। ये देखे, यहाँ मैंने आपको क्लियर आएगा पीछे बल्ब है। ये देखे मोटा आ गया फीडर लेके। अबे नहीं, मारना नहीं। गाइस, आपको मारने लगा था ये। तो गाइस, नाश्ता हमारा आ चुका है, और ये देखें हमारा अंडा पराठा और पानी आया है। अभी चाय नहीं आई, चाय का तो थोड़ा टाइम है, मतलब चाय बन गई है, बस छानी जा रही है। तो गाइस, वो मैं आपको बताना भूल गया कि जो पराठे हैं वो मुझे अभी मामा ने बताया कि वो देसी घी के हैं, और हमारी चाय भी आ चुकी है, मतलब हमारी नहीं सारों की, हम सारे इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते के बाद तो नहीं, हम फौरन ही मिल पड़े, कोई बात नहीं, नाश्ते के बाद मिलेंगे। तो हम छोटे से काम के लिए ऊपर आए थे, जो कि मुकम्मल हो चुका है। हमने जो चकोरे हैं उनको, मतलब ऊपर थे उसको नीचे शिफ्ट करना था, तो वो हमने कर दिया। और अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ, मैंने आपको कहा था ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो गैस, यही हैं वो चकोरे जिनको हमने ऊपर से नीचे उतारा, और अब ये नीचे वाला जंगले में बैठी हुई हैं, पहले ये ऊपर थे। तो गैस, हम यहाँ पर क्लिनिक आए हुए थे, वो छोटा मोटा काम था, मतलब क्लिनिक के ऊपर ना ये देखा थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन ये मतलब जो मेरे बड़े थे आए हुए ना इस्लामाबाद से, उन्होंने आना है जमात पे, 8 मार्च को मेरे ख्याल से जमात है, तो तब वो आएंगे। तो उनके लिए हम ज़रा यहाँ पे साफ सफाई वगैरह करने आए हुए थे। तो क्योंकि मेरे तायबू और तायमा दोनों डॉक्टर हैं, तायमा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं एंड तायबू जो है वो एलोपैथिक है। तो तायबू मतलब ज़्यादा नहीं करते वो, अब तो मतलब कहीं और जाते हैं, लेकिन तायमा यहाँ पे ही होती हैं क्लिनिक में, नीचे उनका क्लिनिक है। तो शायद मैं आपको वो ना दिखा सकूँ, लेकिन हम यहाँ पर आए हुए थे ज़रा। ये देखें, ये एक छोटा सा टीवी पड़ा हुआ, बहुत पुराना। और गाइस, ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा, जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकता। और अब मेरे ख्याल से हमें ऊपर जाना चाहिए, ताइबो भी वहाँ पे ही गए हुए हैं। तो गाइस, ये वो सीढ़ियाँ जहाँ से हमें ऊपर जाना है, और यहाँ से फिर आगे ये एक ये जगह है और एक ये जगह है, पहले हम यहाँ पर चलते हैं। ये देखें, तो गाइस हमें दोबारा नीचे जाना पड़ रहा है वो कहीं लेने के लिए। देखता हूँ ताइबो, और ये खुल नहीं रहा। तो गाइस, ये देखें, ये कहीं पड़ी हुई है, और अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है, और इसके ऊपर एक बोर्ड पड़ा हुआ है। यस, उतर गया। तो चलें, अब हम ऊपर चलते हैं, और पहले इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए आज। और बस मर गए, वही मेरे गोटे पे बच रही है। तो गाइस, ये देखें, ये है क्लिनिक, मतलब नीचे से ये टेबल, ये चेयर, और ये रहा सारा सेक्शन दवाइयों का, मतलब यहाँ पे पहले पड़ी होती थी लेकिन अब नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो बस अब हमने थोड़ी देर बाद चले जाना है वापस। तो गाइस, यहाँ पे हमारा काम बस पूरा हो चुका है ना, तो मतलब बस अब हम वापस जा रहे हैं। क्लिनिक से हम वापस आ चुके हैं, और बस अब थोड़ी सी रेस्ट करने लगा हूँ, थक गया हूँ। गाइस, वहाँ पे छोटा मोटा काम नहीं था, हमने एक गेट निकाला बहुत बड़ा लकड़ी का, शायद मैं आपको दिखा नहीं सका, वो तकरीबन मेरे से डबल था, डबल नहीं मतलब मैं और मेरे इतना हाफ और लगा लो, इतना बड़ा और इतना भारी दरवाज़ा। गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, उसको उठा के हमने बाहर निकाला है। अब इसको लाना भी था लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि गाइस मैं बहुत थक चुका हूँ, और अब दिल तो कर रहा है रेस्ट करने का, लेकिन क्या करूँ, रेस्ट कर नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि आपको इंटरटेनमेंट तो करवानी है यार, क्या करते हैं। ये देखें, ओहो यहाँ पे नहीं है, ये रहा हमारा ट्राईपोड जो मैंने खरीदा था, और ये यहाँ से टूट भी चुका है। गाइस, इसको मैंने टेप लगा के किया हुआ है कुछ, लेकिन इंशाल्लाह हम अगले महीने, हाँ गाइस इतना तो टाइम लग जाएगा, अगले महीने हम अपना गोरिल्ला ट्राईपोड ले आएंगे, जिससे मुझे वॉकिंग करने में बहुत आसानी हो गई, और आपको मुझे देखने में। तो अभी मैं आपको ये भी चक्रा देता हूँ कि इसको लगाने से आपको मेरी कैसे की लुक आती। तो गाइस, यही है वो लुक,
ये वाली यस चेक करें गाइस, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ कि ऐसे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वाइड वीडियोस चाहिए कि मतलब सीधी, तो ज़रूर बताइएगा ज़रूर। और अब मेरी बहुत बस हो गई है, लेकिन मैंने अभी सोना नहीं है, पता नहीं क्यों गाइस ऐसे, मतलब जब थकावट हो जाती है ना नींद आती है, जब मैं बेड पे आके लेटता हूँ तो ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं, तब दिल करता है मोबाइल पे लग जाऊँ, और जब मैं इस बहाने से अंदर आके नेट पे लगता हूँ तो फिर मुझे बाहर से डांट पड़ती है, मतलब बाहर से नहीं, मतलब घर के बाहर से नहीं, घर के अंदर से कमरे से बाहर से। तो गाइस अब क्या किया जाए, ये देखें ये कपड़े भी, ये देखें ये, हाँ यही वाले, ये बिखरे हुए हैं, इनको कैसे समेटें बिल्कुल नहीं पता। तो गाइस ये देखें मैं लेटा हुआ हूँ, क्या करूँगा गाइस, और आप किस तरह एंटरटेनमेंट करूँ, आप मुझे कमेंट ही नहीं करते। मैंने आपको कहा था कि मुझे संडे के लिए कमेंट करें, मतलब संडे को चैलेंज के लिए कमेंट करें, लेकिन आपने मुझे नहीं किया, तो मैं क्या करूँ। आपने शायद लेट किया हो, या मैंने मतलब सॉरी बता नहीं सकता आपको कि मैंने कमेंट सेक्शन चेक नहीं किया, मतलब चेक किया था तब कुछ नहीं था, और उसके बाद मैंने चेक किया, तो गाइस बहुत थकावट हो रही है, क्या करूँ क्या करूँ, प्लीज़ बताएं कोई एक्सरसाइज बता दें। हाय हाय डांस करने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं आपको गाने नहीं सुना सकता क्योंकि गाने जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी में ही है, मतलब मेरे मोबाइल में ही है, लेकिन अगर मैं गाने चलाऊँगा तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड होगी, क्या करूँ बताएं बताएं। और आप मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे कि मैं कैमरा ले आऊँ, उससे वीडियो बनाऊँ और उस पर गाने लगाऊँ, हैं आप सपोर्ट ही नहीं करते गाइस, क्या करें सपोर्ट क्या करें। चलें ये देखो मोटा भी आ गया, मोटे तुम कहाँ से आए हो? ऊपर घर। ऊपर क्या करने गए हुए थे? खेलने। किसके साथ? अपनी और मारो। आप खा क्या रहे हो? गंदेलियाँ। गंदेलियाँ? अरे गंदेलियाँ कौन लेके आया था? कल की पड़ी हुई है। कल कौन लेके आया था? पापा। आपको कैसे पता? मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, मतलब अब मैं देखूंगा जब भी कुछ करने लगूंगा ज़रूर आपको बताऊंगा। तो गाइस अब हम लेने जाने सब्जी, मिल गया हमें एक नया काम, बस इतनी ही देर थी रेस्ट की, 5 मिनट नहीं लेटा मैं, सब्जियां लेने जा रहे हैं। तो गाइस बाजार से सामान मैं ले आया हूँ, और अभी मेरी बहुत बस हो गया है सामान ऊपर लेके आया हूँ, तो चाबी ढूंढ रहा था, बाइक की चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दिया था उन्हें, चले आप वो ढूंढने। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा था कि मतलब हमारे यहाँ के ना बहुत सी सौगाते हैं, उनमें से ये एक है, और इसे कतलम्मा कहते हैं, मतलब ये हमारा बहुत कम होता है, बहुत जो इवेंट्स होते हैं ना कभी कभी जो होते हैं उन पे ये बनता है, और ये थोड़ा सा इस तरह का होता है, एक मिनट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। गाइस ये इसको ये होता है, इसको कहते हैं, ये देखें इसको ऐसे तोड़ते हैं, और ऐसे खाते हैं, और ऐसे बंद करके वापस रख देते हैं। हम यहाँ छत पर झूले लेने आए हुए हैं क्योंकि बहुत काम किया आज, बहुत काम किया, बहुत काम किया। आपको जब मैं मतलब आपसे बात हुई थी ना लास्ट टाइम, अभी मतलब तो तब मैंने अभी इतने काम नहीं किए थे, तो क्या नाम है, अब तो 10-12 और काम करके आया हूँ, इतना मतलब पानी लेने गए, फिर वो क्या नाम है, एक दो काम और गए, बाइक का और ये मोबाइल का पैकेज वगैरह लगवाने जाना था। तो गाइस आप रेस्ट करने का टाइम नीचे तो नहीं मिला, इसलिए मैं ऊपर आ गया। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।